नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग ये सीखते हैं कि अपने YouTube में अगर आपको दूसरा चैनल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका एक चैनल पहले से ही बना हुआ है और काम कर रहे हैं आप, तो आप अपने YouTube अकाउंट में सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ये राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर में जो ये आइकन आएगा वहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ जो YouTube सेटिंग का आइकन बना हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करिए। ये क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, देखेंगे कि सी ऑल माई चैनल्स आर क्रिएट न्यू चैनल, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको सारे चैनल जो आपके पहले से होंगे वो दिखेंगे और नया चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन भी आएगा। ये देखिए, जैसे पहले यहाँ पर केवल ये चैनल एक यहाँ पर पहले से एग्जिस्ट करता है, इसके लेफ्ट साइड में एक नया चैनल बनाने के लिए ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ क्लिक करिए। अब उसके बाद देखिए, ये आपसे वो नाम पूछ रहा है, चैनल का नाम जो आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर जो मर्जी चाहे, जो जिस नाम से भी आप बनाना चाहें आप वहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण एग्जाम्पल ले रहा हूँ और मैं इस चैनल को यहाँ पर लिख रहा हूँ, चैनल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद आप नाम लिखने के बाद आप क्रिएट में क्लिक करिए। ये देखिए, आपका चैनल क्रिएट हो चुका है। ये यहाँ पर वही देखिए नाम लिख के आ रहा है जो नाम हमने यहाँ पर लिखा था। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको और करनी पड़ेंगी और भरनी होंगी, वो है कि आप यहाँ पर जो एक वीडियो आपका जो इसमें लोड करेंगे तो उसका एक आइकन आपका बनेगा पूरे चैनल का, तो ये आइकन यहाँ पर आप क्लिक करके इसको आप जो आइकन चाहें यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद एडिट में क्लिक करिए और एक ब्राउज कराएगा कि आप जो इमेज आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो आप ब्राउज करके उसको लोड कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये गूगल प्लस में ले जाता है, गूगल प्लस से आपको ये वीडियो सॉरी इमेज को लोड कराने के लिए बोलता है। तो आप जैसे यहाँ पर अपलोड में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कोई इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी इमेज आप चाहते हों इसमें रखना चाहते हों वो आप इमेज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज अभी सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद डन में क्लिक करें आप। ये देखिए, यहाँ पर आपकी ये इसके अगेंस्ट में ये पिक्चर आ गई है। अब आप फिर से वहीं पे जाइए और इसको रिफ्रेश कीजिए। अभी देखिए अपडेट यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन ये बाद में थोड़ी देर बाद दिखाएगा। उसके अलावा एक चैनल आर्ट यहाँ पर जो यहाँ पर आपकी इमेज आती है, पिक्चर आती है, इसी तरह इसमें आप एक चैनल आर्ट भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ऐड चैनल आर्ट में करके। इसके जो इस इमेज का साइज़ है वो देता है यहाँ पर 2560x1440 और मैक्सिमम फाइल साइज़ 4 MB का होना चाहिए। तो आपके पास जो भी इमेज इस तरह की होगी आप वहाँ यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी ये इमेज बन जाएगी। उसके साथ ही आपको एक चैनल डिस्क्रिप्शन भी लिखने का ऑप्शन देता है। आप चैनल के बारे में शुरुआत में जो लोग आएँ उसको देखें तो आपके चैनल के बारे में जानें, तो ये यहाँ ऑप्शन देता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखूँगा, आप आगे भी लिख सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। यू आर वेलकम टू माई चैनल।
प्लीज सब्सक्राइब टू गेट आवर फर्दर वीडियोज ऑन योर ईमेल। ओके, दिस मच आई विल राइट एंड विल क्लिक ऑन डन। तो ये इस तरह से आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। और डिस्क्रिप्शन को वैसे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता है, इतना 60 में लिखना रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद आप अपने वीडियो को अपलोड करिए। देखिए आपका ये जो आइकन यहाँ आपने जो अभी लोड किया था वही आइकन यहाँ भी आएगा, तो ये आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको हमेशा ये ऑप्शन पूछेगा कि आप इस वाले चैनल से लॉगिन करना चाह रहे हैं या वर्क करना चाह रहे हैं या आपने दूसरे चैनल से। तो कई जितने भी चैनल होंगे उनकी लिस्ट आएगी, जिस चैनल को आप सेलेक्ट करेंगे उसी चैनल से आपको ये लॉगिन रहेगा और उसी में अगर जब आप अपलोड करेंगे किसी वीडियो को तो अपलोड होगा। तो अपलोड के लिए ऑप्शन देखिए कि यहाँ आता है, एक यहाँ तो आता ही आता है, तो आप कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो अभी आएगा, देखिए ये यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है अपना सेकेंड चैनल क्रिएट करके आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप नीचे कमेंट जरूर डालें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।